हमने वायरल नहीं किया लेकिन बात हुई है वो सच है। आप सोच सकते हो किस प्रकार से वहां सरकार चल रही है, कैसे चलाए जा रहे हैं राज्य में। और उसके बाद वहां कैसे चलता है कि जो जानकारी मिली, ये सारे मिलकर के वही नहीं बल्कि पूरे संथाल परगना को एक प्रकार से मतलब गैंग बना करके जिसको बोलते हैं कि पूरी प्राकृतिक या नैसर्गिक जो संपदा है, चाहे बालू हो, चाहे पत्थर हो, चाहे कोयला हो, उसकी खुलेआम जिसको बोलते हैं लूट होती है। साहेबगंज में एक हाथ है जिसको नीलाम होता है, समदा घाट जहां से जीती जिसको बोलते हैं पानी जहाज, वहां से बिहार की ओर पार होता है। तो समदा घाट तो पार होता है लेकिन उसके अतिरिक्त भी एक और घाट जिसको गरम घाट बोलते हैं, समदा घाट से 5 किलोमीटर पश्चिम में नया घाट जिसको बोलते हैं इलीगल तरीके से, और प्रत्येक दिन वहां 400-500 ट्रक पार किया जाता है इलीगल जिसको बोलते हैं, यानी इस राज्य की संपत्ति को कैसे लूटा जाता है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। पिछले दिन आप सबको ध्यान में है कि जब उन्हीं के पार्टी के जेएमएम के ही एक सीनियर विधायक ने विधानसभा में भी उठाया और बाहर भी स्पष्ट रूप से, और अभी भी उस स्थिति में ध्यान में आया कि वहां धरना पर बैठे कई ट्रकों को लोगों ने रोका जो इलीगल तरीके से पार कराया जाता है। तो मैं ये कह रहा था कि वो व्यक्ति कितना मजबूत है, कितनी प्रभावशाली है, और जो टेस्टेड जिसको कह सकते हैं, जिसके ऊपर करप्शन की चार्जेज पहले ही मामला को रफा दफा करने की चार्जेज प्रमोद क्या कहते हैं जो मिश्रा के ऊपर डीएसपी के ऊपर है, और उनको ही रूपा के केस में भी जांच के लिए यहां भेजा गया। और सुनकर के ये बड़ा आश्चर्य लगा कि हमें तो पता ये भी चला कि शायद आईजी भी 8-10 क्या बोलते हैं गाड़ी के फोर्स लेकर के उनके घर पे, यानी आए थे कि डराने धमकाने जिसको बोलते हैं भाई, ये बड़ी इतनी बड़ी ताकत तो इसके विरोध में कौन जांच करेगा, कौन सी पुलिस जांच करेगा। जहां पंकज मिश्रा के लखेट के रूप में वहां के एसपी हो, वहां के डीएसपी हो, वहां के आईजी हो, डीआईजी हो काम करता है, तो फिर रूपा तिर्की के केस में कैसे न्याय मिल सकता। और इसीलिए हम सरकार से फिर से हम कहेंगे हेमंत सोरेन जी से कि भाई आप बिना विलंब किए, क्योंकि जिस प्रकार से इस प्रदेश के अंदर में जो आंदोलन चल रहा है लगातार उस दिन से आदिवासी समाज उद्वेलित है, भाई आप क्या न्याय करते हैं ये विषय इतना तक नहीं कहता है, न्याय दिखना भी चाहिए, लोगों को भरोसा भी होना चाहिए। आज किसी को वहां के पुलिस पदाधिकारी के ऊपर भरोसा नहीं है, और इसलिए तमाम लोग ये मांग कर रहे हैं, उनके परिवार से लेकर के संगठन के लोग मांग कर रहे हैं कि भाई उनकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, तभी ये न्याय मिल सकता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।